ये कौन आ रही है हमारे गांव में, बड़ा नई नवेली चश्मा भत्मा लगा के बैग वैग टांग के? भाई वाह, चमक तो दूर से मार रही है। बात की जाए कि डॉक्टर तो नहीं है, पूछो उनसे कौन है। अरे राम राम सा, राम राम। राम राम। हाँ राम राम। अच्छा जी, मैंने कहा गांव में नई हो क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन हो तुम, डॉक्टर डॉक्टर सी लगती हो। ठीक पहचाना, मैं वैसे ही डॉक्टर, मतलब वाकई में ही डॉक्टर हूँ। अच्छा अच्छा, डॉक्टर हो आप। जी जी जी। वैसे तुम्हारे यहाँ पे मैंने तो तुम्हें आज पहली बार देखा है। अब वो एक्चुअली में क्या है, ऐसा है कि मैं यहाँ इलाज करने आई हूँ। अच्छा। जो यहाँ गांव के लोग बाहर नहीं जा सकते। हाँ इसलिए। तो तुम्हारा तो क्लिनिक हमने देखा ही नहीं है, किधर है, कहाँ है? ये जो पोखर है ना, इधर कहाँ पोखर, इधर है। हाँ इधर, उधर नहीं है, उधर ही है। अच्छा अच्छा। पोखर है ना, उसके बराबर में आके ये रास्ता गई है ना, वही मेरी क्लिनिक है। अच्छा अच्छा, उधर है। जी बात जी बात। तो मैंने कहा कैसा कैसा इलाज करती हो तुम, काय काय करती हो? सब, हर तरीके का इलाज करना जानती हूँ। हर तरीके का मतलब कैसे, बता दो। अरे जो जैसी तुम्हारे अंदर बीमारी हो उसका इलाज हमारे पास है। वैसे जब तुमने बोल ही दिया सब चीज का इलाज, तो हमारी सुन लो एक बात। बोलो। बात ये है कि मैं चाहता हूँ मैं 16 साल का हो जाऊँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या? क्यों बड़ी बात है, तुम्हें पता है एक 70 साल का आदमी 16 साल का होना चाह रहा है तो समय तो लगता ही है ना। अरे उसके लिए आपके लिए बड़ी बात है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा हाँ। नहीं तो हमें होना है 16 साल। हम तो जवानों को बुड्ढा बना दे और बुड्ढो को जवान बना दे। एक तो रड़ुआ है हमारी, और जवानों को बच्चा बना दे, बच्चों को जवान बना दे। नहीं हम तो रड़ुआ है, देखो हमारी शादी नहीं हुई है, अब 16 साल के हो जाएंगे तो शादी तब भी हो जाएगी हमारी। देखो मैं ऐसी तुम्हें दवा दे दूंगी है? कि तुम्हारे घर के आगे रिश्तों की लाइन लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। दरवाजे से निकलोगे ये समझ लो सब अपने घर घर से आएंगे तुम्हारे लिए रिश्ता ले लेंगे। पैसा चाहे कितना भी खर्च हो जाए, देखो जाहिर सी बात है पैसा तो खर्च होता ही हो जाए, पैसा बात को या स्वाद को बिक जाए। हाँ पर हम जवान हो जाए। अरे बिल्कुल हो जाओगे। मैंने तुमसे क्या कहा था, क्या कहा था कि ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। जब बाहर ठीक है तो मैं बड़ी खांसी हो जाती है। मैं तो मेरे ऊपर ही अब हो गए, निकलो चलो। निकल जाओ, मैं आऊंगा तुम्हारे के लिए। ठीक है मैं शादी करा रही हूँ। ओके 16 साल का बनाना है। अरे निकलो। बुड्ढा अर्थी पर सजा धरा है, पता लगी चार कांधे वाले ले जा फूक के दरिया है इसे, अस्थि भी ना पता लगे इसकी कांगी। 100 साल का बुड्ढा 80 साल 16 साल का होने जा रहा है। कह रहा मैं क्या, हम तो अपना काम करने आए, रोकड़ा बनाने आए, निकल बना के चल देंगे। खाली साड़ी में ये कौन आ रहा है? कोई भी सही है तो औरत, बात करके देखता हूँ। यस नो, यस का नो कहते हैं ना। मैंने ऐसे ही सुना है, इंग्लिश में बड़ी बड़ी पिक्चरों में देखा है, यस बोलते हैं तो नो बोलते हैं, नो बोलते हैं तो यस बोलते हैं। पिक्चर में से इंग्लिश सीखे। हाँ अच्छा। वैसे आप हैं कौन? इस गांव में आपको पहली बार देखा है? अरे तो पहली बार आएंगे, बोलने दोगे? हाँ बोलिए। मुझे तो लगता है हैंड फ्री स्पीकर अलाउड। ऊंचा सुनता हूँ मैं थोड़ा। ऊंचे? हाँ अच्छा। एक्चुअल में क्या है कि मैं यहाँ डॉक्टर हूँ। है क्या हो? डॉक्टर। समझ में नहीं आ रही। डॉक्टर? अच्छा डॉक्टर तो यो को ना, बैद हो तुम। हाँ, बैद नहीं तो साइंस वाली डॉक्टर। कौन सी डॉक्टर? साइंस, आजकल के जमाने की डॉक्टर। धुन्ना साइंस तो धुन्ना है। धुन्ना? हाँ धुन्ना माय फुट। फुट? हाँ फुट तो सड़क पे नापो। अरे अरे यू इडियट। कौन से? मतलब मेरे कहने का मतलब है हाँ, हाँ। कि मैं MBBS डॉक्टर हूँ। धुन्ना MBBS डॉक्टर कुछ नहीं होता है, देखो आज के समय में ये सब है बकवास की बात। सबसे पहले कौन हुआ था, सबसे पहले बैद आए थे कि नहीं? ओह माय गॉड, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे, वो क्या डॉक्टर थे? मुझे लगता है तुमने किसी गुरु से सीखी ये बात। हमारे आदरणीय गुरु हैं एक है। अब मैं बता नहीं सकता, रहते दाऊ जी के पास है। क्या कहते हैं, दाऊ जी से 25 किलोमीटर पहले उनका गांव है। नाम नहीं बताऊंगा पर मत बताओ। अच्छा ये बताओ यहाँ क्या करने आई हो तुम? हैं इतनी पढ़ाई पढ़ के? अरे मैं यहाँ पे इलाज करने आई हूँ। किसका?
अरे आप जैसे लोगों का क्या क्या इलाज कर लेती हो? सब इलाज आता है मुझे। मुझे सुनाई देना शुरू हो जाएगा? अरे बिल्कुल। थोड़ा जोर से बोलो। अरे बिल्कुल। धन्यवाद। तो देखो मुझे एक काम और है। क्या? सुनाई के संग संग और क्या कहते हैं मुझे कम दिखाई भी देता है। वो तो तुम्हें डबल दिखाई देगा। अच्छा? हाँ। एनक लगा के? एनक लगा के नहीं, बगैर एनक के। एनक तो तुमने अभी नहीं लगा रखी। क्या कह रही हो? अरे बगैर एनक के दिखाई देगा डबल। अच्छा बगैर एनक के दिखाई देगा डबल। हाँ। अच्छा एक काम और है, छोटा एक के चार, दो के चार दिखे। मेरे को एक छोटा सा काम और है, मैं है ना दोबारा से पहले वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ। पहले वाली कौन सी? अरे जवानी की जिंदगी थी क्या? घोड़े घोड़े की तरह ही दौड़ता था मैं। मेरे घर में सबसे बड़ा घोड़ा मैं ही था। अच्छा? हाँ, सुबह सुबह ये समझ लो खेत के सारे काम मुझे करने, ऐसा कोई काम नहीं था जो मुझ पे ना हो पाए। मैं सारे काम पूरे करता था, लेकिन क्या करूं बुढ़ापे के शरीर ने अब निर्लजता ला दी और मुझ पे काम नहीं होता। मुझे जवान बना सकती हो? जवान? हाँ डोंट वरी, हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? मतलब हो जाओगे जवान। जवान हो जाऊंगा मैं? अरे बिल्कुल। कैसी दवाई होगी? डेफिनेटली। कौन सी? लेल्टी? नहीं नहीं लेल्टी नहीं, डेफिनेटली। डेफिनेटली समझ में नहीं आएगा। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, मेरे कहने का मतलब है 101%। मतलब 100%? हाँ 100%। अस्पताल कहाँ खोला है? अस्पताल नहीं, मेरा क्लिनिक है यहीं पे। क्या चीज है? दो कान है। अच्छा परचूनी वाली से लग रही हो तुम तो फिर। अरे दुकान तो परचूनी की होती है या दूध की होती है या क्या कहते हैं उसकी होती है, हलवाई की होती है, ये होती है। मेरा क्लिनिक है। क्या है? क्लिनिक। क्लिनिक होता है। क्लिनिक होता है। सही पकड़े। क्लिनिक है। क्लिनिक और डॉक्टर का छोटा अस्पताल। छोटा अस्पताल। हाँ। छोटा अस्पताल कौन सी जगह? ये गंगा है, मतलब वो है ना गंगा। गंगा? हाँ, यमुना है इधर तो। सॉरी यमुना, सॉरी तुम लोगों ने मुझे इतना पागल कर दिया। मतलब यमुना के सहारे जाओगे ना? आ गया। वही मेरा क्लिनिक है। माँ तो जंगल है। जंगल है, जंगल के उस पार गांव है। अच्छा जंगल के, तो इस गांव में क्यों आई हो तुम? अरे मैं इस गांव में इसलिए आई हूँ क्योंकि ताकि तब लोगों को पता चल सके। अरे वो गांव और ये गांव अटैच है। क्या कह रही हो? मतलब ये गांव और वो गांव बिल्कुल अटैच है, मिले हुए हैं। मिले हुए हैं हिंदी में अटैच? कौन सा अटैच? अटैच तो बाथरूम होता है कमरे में जब बनवाती है। तो आजकल मैंने सुना है शहर में कमरे में अटैच बाथरूम बनवा लेती है। ठीक है ठीक है, आप मेरे क्लिनिक पे आ जाना प्लीज। कहाँ पे आ जाऊँ? मतलब छोटे अस्पताल में। एक बात और बताओ, यमुना को ऐसे कैसे पार करोगी? हो माई गॉड, कितना डिफिकल्ट सवाल है। क्या चीज है? मतलब कितना अजीब सा सवाल है। अजीब सा। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं उससे जाती हूँ नाव से। नाव से? अच्छा नाव से। नाव से। नाव से तुम मत तैरना। क्यों? वजन है ना। झेला नहीं जाता, मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी जवान हो जाऊँ और तुम्हारे नई लड़की से शादी कर लूँ। मतलब तुम्हारे जैसी? क्या मेरे जैसी काय को मिलेगी तुम्हें? कैसी मिलेगी? तो तुम्हारे हिसाब की मिलेगी। हाँ तो तुम कौन सी कम उम्र की हो? क्या कुछ नहीं, कम उम्र की मतलब। अच्छा चलिए, आपका डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा वहाँ पे। अच्छा सुनो, ऐसी चीजों में थोड़ा पैसे ज्यादा लगते हैं अगर आपको जवान होना है तो। क्या कितने पैसे लाऊं? अब वो तो मैं तुम्हें वही आगे बताऊंगी, तुम्हारी बीमारी चेक नहीं तो मैं रख के तो लाऊंगा कम से कम जिम में। अब तो फिर माँ से मुझे लौटना पड़ेगा। ले आना 50-60 के आसपास। 50-60 रुपए? नहीं नहीं 50,000 के आसपास ले आना। जवान बना रही हो क्या? क्या कहते हैं तुम दोबारा मुझे क्या पैदा कर रही हो? एक मिनट, पैदा ही कर रही हूँ ये समझ लो। हाँ, तुमने कहीं ऐसी दवाई मिलती है वो सुनी है कि बुड्ढे को जवान बना दे? सुनी तो है। कहाँ सुनी है? टीवी पे। टीवी पे? हाँ? अरे वो नकली दवाई होती है, उनसे इंसान मर जाता है। तुम्हारे पास क्या गारंटी है तुम्हारी दवा असली है? मुझे बताओ। मेरी दवा खा के देखना, दो दिन में तुम्हें अपने हाथ पैरों में यंग बनाना आने लग जाए, घोड़ों की तरह ना दौड़ने लग जाए। दोबारा? और क्या भाई, दोबारा सारे काम जवानी वाले करोगे? कैसी बातें कर रही हो? ठीक है तो तुम निकल जाओ, कल हम आते हैं। शर्म आ गए, जवान हो जाओगे तो धरती फाड़ दोगे। कुछ ऐसे ही बढ़िया है। राम राम दादी। राम राम। ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है आपको तो बहुत ही प्रॉब्लम है। तो जीप का को लपलपा रहे हो? नहीं नहीं ऐसा है, वो मैं रबड़ी धरी। कैसी बातें कर रही है? बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ऐसा है मुझे जवान होना है। अच्छा जवान होना है? मुझे ब्याह करना है अपना, बस अब तो बस एक ही बस चाह है। अच्छा चलो ठीक है, उम्र बताओ। है उम्र? उम्र है मेरी 70 साल। 70 साल? हाँ। उम्र और? पूछो और क्या। और उम्र 70 साल है,
यानी कि तुम 70 साल के हो गए। हाँ हाँ, लेकिन मुझे तो ज्यादा लगते हो। ज्यादा कैसे हो जाएंगे, 70 साल के हमें पता है, मैं 16 साल का होना है। सीधी सीधी बात कहो। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। नाम क्या है आपका? नाम मेरा बुद्धा सिंह। बुद्धा? हाँ हाँ, बुद्ध सेन बोलते हैं मुझे। बुद्धा सिंह। उम्र है? उम्र 70 साल। 70 साल उम्र। हाँ। अच्छा, अब ये बताइए, आप जवान क्यों होना चाहते हो? जवान हम इसलिए होना चाहते हैं कि हमें करनी है शादी, क्योंकि हमारी शादी हुई नहीं है। शादी नहीं हुई? हाँ। जन्म से लड़ुआ? जन्म से लड़ुआ है। शादी एक भी बांधी हुई? बिल्कुल नहीं, कोई तो देखने तक नहीं आया हमारे साथ। तो आप बुढ़ापे में काहे को सूझी तुम्हें शादी? ठीक है, बहुत लंबी खांसी आती है तुम्हें, कहीं इस खांसी के चलते तुम निकल ना लो। कैसी बातें करते हैं आप। अच्छा ये बताओ, ठीक है मैं आपको ये दवाई दे दूंगी, लेकिन सुनो, पहले आपको 10,000 रुपए जमा करने होंगे। बताओ। 10,000? और क्या? 10,000? देखो जमा, मैं आपका चेकअप भी तो करूंगी। कहाँ से बूढ़े हो? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अभी मतलब तुम जवान हो सकते हो नहीं? बस जवान कर दो मुझे। देखो 10,000 रुपए ऐसा है, मैं भैंस लेने जा रहा था। अब देखो मेरे मन में आई कि भैंस तो देखो आती रही। अरे भैंसों का क्या है? अच्छा एक बात बताओ, भैंसों का क्या करोगे लाके? जब जवान हो जाओगे? जवान हो जाओगे तुम्हारे घर में एक हस्ती खेलती खुद मोरनी आ जाएगी। है कि नहीं? तो आपको पहले 10,000 अरे ये आपके लिए नहीं है, अभी दूंगा। पहले आप समझाओ क्या बात है क्या नहीं है। ऐसे थोड़ी सुनो मेरी बात। जब आप जवान हो जाओगे तो आप एक बात बताओ, तो आपको क्या जरूरत सब भैंस लाने की या फिर फालतू के जानवर इकट्ठे करने की घर में? देखो ये सब बातें मैं जानता हूँ, इन्हें मत सिखाओ आप। बस ये इस पर ध्यान दो कि जो मैं जवान हो जाऊँ मेरे अंदर एक ऐसी पावर ताकत आ जाए। बिल्कुल आ जाएगी, टेंशन मत लो। हाँ। पैसे तो जमा करो पहले। पैसे जमा करें? मैं आपका जो जब तक वो क्या कहते हैं, मैं आपका फिर दूध वो बनाती हूँ, वो करती हूँ आपके लिए। ठीक है बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, ये पूरे 10,000 ही है, 10 रुपए बचाए थे, 10 रुपए रख ले रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो अब देखो कैसे क्या है, दवाई दो हमें। देखो मेरी बात सुनो, रुक जाओ मैं आपका चेकअप करती हूँ थोड़ा सा। करो करो, ठीक है ना, करो। दिखाओ, एक मिनट आ गया। क्या दिखाऊं? लो। अरे दिखाओ कुछ मत, मतलब मैं चेकअप कर रही हूँ। लो लो। ओह माय गॉड, आपके तो बहुत प्रॉब्लम। आनंद आ रहा है? हैं? कुछ ना। आनंद आ रहा है? तुम्हारी बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? देखो अब मैं तुम्हें बता दे रही हूँ दवाई। क्या? सुबह सुबह उठना, 2 गिलास पानी पीना है खाली पेट, ठीक है, फिर फ्रेश होने जाना है। ठीक है, जाते हैं हम तो रोज खेत पे जाते हैं। हाँ, वहीं जाना है फ्रेश होने। अच्छा उसके बाद आने के बाद 1 किलोमीटर दौड़ लगानी है। 1 किलोमीटर एक सांस में? एक सांस में, एक सांस में 1 किलोमीटर दौड़। हमारे गोड़ कीर्तन कर रहे हैं आप, कह रही है के? आपको जवान होना है या नहीं होना? हाँ, होना तो कर लेंगे। होना है तो करोगे? कर लेंगे, कर लेंगे। देखो कैसे कहते हैं, जब इंसान को जरूरतें हैं ना। हाँ। तो वो काम करना होता है। चिंता मत करो मैडम जी, हम करेंगे, आगे बताओ। ठीक है, अच्छा दौड़ लगाने के बाद हरी हरी घास है, ठीक है, ठीक है, और सुनिए एक मिनट, दौड़ लगाने के बाद घर आओगे, योगा करना है कम से कम 1 घंटे। योगा? 1 घंटे आपको योगा करना है। अच्छा योगा आसन, ये कैसे होता है? अरे बताओ तो सही। मतलब ऐसे ऐसे योगा करना है। नहीं बताओ, वहाँ कोई पेड़ वेड़ है? पीपल का पेड़ है। अच्छा पीपल का पेड़ है, और रस्सी ले जाना मोटी सी। फिर क्या करूँ उसमें? उसे रस्सी से बांध के ऊपर चढ़ना फिर उतरना। ऊपर चढ़ना फिर उतरना, ठीक है, मतलब चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना। ठीक है, ठीक है। वहाँ कोई, वहाँ घास है? हाँ है घास। घास उखाड़ना वहाँ पे, ठीक है, और वो क्या कहते हैं, घास उखाड़ के उसे पीसना, चटनी बनाना, चटनी बना के और गैया के दूध में उसे मिला के पी जाना, ठीक है, फिर 1 महीने बाद आना। बिल्कुल, तब मैं जवान हो जाऊंगा। अरे 1 महीने के बाद तो तुम पहचानने में ना आओगे। 420 बात तो नहीं बता रही है? 420 नहीं है, एकदम बहुत अच्छी बात बता रही है। वैसे डॉक्टर साहब एक बात बताओ, देखो हम पे ना तो दौड़ा जाएगा, ना हम पे ये उतरा चढ़वन होगी, और ना हम पे, अब वो वाली बात है कि घास को पीस के चटनी बना के उसको गैया के दूध में डाल के पी लें, चाट लें। अब वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो वो बात एक अलग है। अरे 1 महीने बाद आना, जितनी भी तुमने एक्सरसाइज करी है। अच्छा। फिर उसके डबल, यानी कि तुम्हारे शरीर में जो जंग लगी हुई है ना। हाँ। वो पहले खुलेंगी। अच्छा। खुलने के बाद तुम आना, मैं तुम्हें दवाई दूंगी। अरे ये वाली बात है। और फिर उस दवाई को 1 घंटे के खाते ही 1 घंटे के बाद तुम अपने आप को आईने में निहारना, ठीक है? ठीक है, ठीक है।
लेकिन इतना मैं बता दे रही हूँ कि जब तुम अगले महीने में आओगे, मतलब अगले मतलब एक महीने के बाद आओगे, तो जींस वींस पहन के ये गेटअप नहीं होगा। अच्छा, हाँ तो बढ़िया, आऊंगा मैं तुम। अरे एकदम झक्कास लौंडा बन के। ठीक है ठीक है, एकदम जहर लौंडा। तो ऐसा है, आपने बता दी, अब मैं ऐसे ही करूंगा रोज, और फिर मैं एक महीने बाद आता हूँ आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, मिल जाओगी ना। अरे कहाँ जा रहे हैं। ठीक है ठीक है, चलता हूँ मैं। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो इस खांसी के चलते ही निकल ले बुड्ढा। खैर मुझे तो मेरे पैसे मिल गए, अगला कस्टमर और आ रहा होगा। यही बताया था। नमस्ते। डरा रहे हो? नहीं, मैं ऊंचा सुनता हूँ ना। हाँ ठीक है, बैठो। नमस्ते। बताइए आप। क्या बताऊँ, पूछिए। हाँ मतलब बीमारी बताइए। अच्छा बीमारी बताऊँ? मैंने समझा कुछ और पूछ रही हो। अरे और तुमसे क्या पूछूंगी? हैं? कुछ कह रही? नहीं नहीं, और तुमसे क्या पूछूंगी? नहीं, मैंने सोचा शायद आप मेरा वो कौन सा डेक्शन होता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मैं समझ रहा, बोले रही है। नहीं नहीं, देखो लेने की जरूरत नहीं है। नहीं परेशानी देखो मुझे ये है, मुझे एक तो कानों से कम सुनाई देता है। कम सुनाई देता है? हाँ। तो तुम बह रहे हो? है? अच्छा अच्छा, क्या कुछ कहा आपने? मैं होटो की बात समझ लेता हूँ। अच्छा हाँ। नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि आपको सुनाई देने लगेगा। अच्छा हाँ। देखो एक तो कम सुनाई देता है, एक कम दिखाई देता है, एक है? मेरे कहने का मतलब है कि एक अंधे की जैसे ही हो। बिल्कुल हाँ, अंधा नहीं हूँ। पर अंधा नहीं हूँ, यूँ ओटक लगा के सब देख लेता हूँ। ओटक लगा के? हाँ मतलब हाथ लगा के। अच्छा अच्छा, अपने हाथ से अपनी आंखों पे ओटक लगा के सब देख लेता हूँ। अच्छा। और इतना ऊंचा भी नहीं सुनता जितना आप सोच रहे हैं। अच्छा, कम सुनता हूँ। ऐसा देखो एक परेशानी है मेरी। हाँ। मेरी उम्र लगभग हो गई 68 साल। 68 स्वीट 68 स्वीट 68 स्वीट कहाँ है? अरे स्वीट होता है, स्वीट लगाते हैं, स्वीट 68। अच्छा। मेरी 68 साल उम्र हो गई लेकिन शादी नहीं हुई। तो इस उम्र में तुम्हें शादी की क्या जरूरत पड़ गई? इस उम्र में जरूरत क्या नहीं है? ऐसी बातें कर रही है तुम तो। जरूरत तो है पर मेरी शादी नहीं हुई। अब मुझे तुम ऐसी दवाई दे दो कि मैं एक तो जवान हो जाऊं। अच्छा। घोड़े की तरह दौड़ने लगूं, ये समझ लो। मैं है ना, मैं चाहता हूँ कोई नई लड़की मिले मुझे 25 से 26 से 28 30 साल के बीच की, तुम्हारे ऐसी। और मुझे मिलती है बुढ़ियाएं। तो बुढ़े को तो बुढ़ी मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब मेरी जैसी लड़की कहां से मिल जाएगी? अरे हम तो चाह रहे मिल जाए, पैसा बहुत है मेरे पास। अच्छा हाँ, यूँ समझ लो चिन्ह हुआ घर में, काम में नहीं आ रहा। काम में आएगा कैसे जब शादी नहीं हुई, जब बीवी नहीं है तो काम में खर्च किसके लिए करूँ? खर्च किसके लिए करूँ? हाँ। आपकी शादी पक्का हो जाएगी। पक्का हो जाएगी तो तुम मुझे दवाई ऐसी दो कि मैं जवान हो जाऊँ, घोड़े की तरह दौड़ने लगूँ। मेरी बात सुनो, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। बताओ। आपकी उम्र है 68। स्वीट 68। स्वीट 68। हाँ। नाम है मेरा करोड़ीमल। करोड़ीमल? ओ, 38 बीघा जमीन है मुझ पे। अच्छा बरतने वाला नहीं है पर कोई। ओ, वो ये समझो वो जमीन खंजड़ है। खंजड़ नहीं है, उसमें क्या कहते हैं अनाज होता है, हर साल गेहूँ आते हैं, धान करता हूँ, बाजरा करता हूँ, तीनों खेती होती है मेरी। मैंने सोचा खेती है लेकिन जोतने वाला नहीं। नहीं जोतने वाला भी है, जोतने वाले पे आदमी लगा रखे हैं मेरे। अच्छा अच्छा, 8 आदमी लगे हुए हैं 38 बीघा में। अच्छा कितने? 8 आदमी 38 बीघा में। 38 बीघा में मैंने सोचा कि एक भी गई है। नहीं नहीं कुछ नहीं करो। ओ हाँ, हाँ? एक मिनट, पहले आप फीस जमा करिए। कितनी? 50,000 है। हाँ है? 50,000। मैं जा रहा हूँ। बहुत ज्यादा मांग लिए। ज्यादा? बहुत ज्यादा है। एक मिनट मेरी बात सुनो, 50,000 ही नहीं समझ रही, 50,000 में कितने जीरो होते हैं? अरे मुझे पता है। हाँ? तो फिर ये बताओ, अगर कल को आप जवान हो गए तो आपके घर में कम से कम ये समझ लो 18 से 19-20 साल की लड़की होगी। हाँ, और जब और फिर ये सोचो कि आप बाप भी बनोगे। आपके औलाद नहीं है। वो तो है। अब देखो बाप बन जाओगे। हम दो हाँ, तुम जितनी तुम में ताकत हो तो निकल लेना। जवान होने की दवाई मिल जाएगी, फिर तो ताकत ही ताकत है। 50,000 तो नहीं होंगे लेकिन मैं दूंगा जरूर पैसे। 50,000 तो नहीं है मेरे पास। अच्छा पर हाँ, 500 को बहुत सारी नोट लाया था मैं घर से। तुम्हारी तो नजरें बदल गई। हाँ, नहीं नहीं, मेरी काय को नजरें बदलेंगी? बदल गई ना, ना ना ना। और सुनो, एक दवाई और दूंगी तुम्हें। कौन सी? वो मैं साइड से दूंगी।
फिर सब रख लो। दिल जीत लिया तुमने एकदम दूसरी दवाई की बात करके। मैं समझ गया कौन सी दवाई है ना। हाँ वही ठीक है। अब मैं आपका करती हूँ चेकअप। हाँ चेकअप कर लो। नहीं हाँ कर लो कर लो। ये क्या किया तुमने? क्या कान में लगाते हैं इसे तो? मैंने देखा है पिक्चरों में। यहाँ से नहीं, यहाँ से सुनती हूँ मैं, दिल से। अच्छा दिल से। यहाँ थोड़ी सांस होगी। सांस तो डेढ़े हाथ पे होती है। अरे हम तो दिल को चेक करते हैं। अरे इधर होता है दिल। अच्छा इधर है। आप डॉक्टर है? बैद हूँ बैद। अच्छा बैद हो? कहाँ? मैं बैद नहीं था। अच्छा, मेरे पिताजी बैद थे। आला खराब लग रहा है मुझे। तो फिर कोई बात नहीं, पैसे दे दो वापस। नहीं नहीं काम कर लो। ओह माय गॉड, तुम्हारे दिल में तो दर्द ही दर्द भरे हैं। बहुत ज्यादा है ना। सबसे प्रॉब्लम शादी। ये समझ लो आप ही समझ सकती है मेरे दर्द को बस। ठीक है अब मुझे दवाई तो दे दो। दवाई मैं बता रही हूँ तुम्हें। बताओगी? अरे मैं तुम्हें बता रही हूँ, सुन लो। बता, बता। सुबह उठना 4 बजे। वो तो मैं रोज उठता हूँ क्योंकि जंगल जाना पड़ता है ना। 2 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। 2 किलोमीटर सुन लेना पहले पूरी कहानी। अपने काम से भूतपुरा। भूतपुरा जो भी है। 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ लगानी है। वहां से आने के बाद फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद मुझे तो तुरंत ही मतलब जंगल जाने की पड़ती है। नहीं मतलब जंगल जाते मतलब गलत है ये। क्यों? ऐसा है कि आप दौड़ लगाने के बाद तब जाना है। अरे निकल जाएगी। अरे वो आपका सर है, आप कैसे रोकोगे? चलो इंतजाम कर लूंगा, डटक लेके आऊंगा। हाँ डटक जो भी है, वेल्डिंग कराऊ कुछ भी करा। है कि नहीं? एक लोटा पानी पीना है। जग के या सोने से पहले? तो जग के। सुबह उठ के जल्दी जल्दी उठो। सब था मैडम। अरे मेरी बात तो सुन लो पहले पूरी। सबसे पहले उठोगे, पानी पियोगे, फिर उसके बाद दौड़ लगाओगे। ठीक है। दौड़ लगाने के बाद अंडुआ का पेड़ है तुम्हारे यहाँ? हाँ अंडुआ का पेड़ हमारे पास है। हमारे बबूल के पेड़ था, हमारे खेत के बबूल का जंगल है। ऐसा पेड़ बताओ जो। हाँ एक काम करना, चंदन का पेड़ है? चंदन का पेड़ यहाँ कहाँ से आया मैडम? चंदन के पेड़ तो पहाड़ों में होते हैं। हाँ उसमें तो सांप होते हैं। सांप नहीं होते, चंदन के पेड़ पहाड़ों में होते हैं, ठंडी जगह पे पैदा होते हैं चंदन के पेड़। अच्छा। यहाँ तो सब तरह का मौसम रहता है। ठीक है ठीक है। अब कोई ऐसा पेड़ हो तुम्हारे पास जो उसपे चढ़ना है और उतरना है। जामुन लग रही है बराबर में। हाँ तो उसपे चढ़ो उतरो। मीठी और आती है उसपे। अरे जामुन। अरे 10 बार करना है ऐसे। 10 चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना। जवानूंगा मारने के चक्कर में तुम। अरे मेरी बात तो सुन लो, मेरे कहने का मतलब ये, मान लो अभी तुम गाड़ी खड़ी रखो। हाँ हाँ। उसमें जंग लग जाती है। बात तो सही है। उसे सफा करना पड़ता है। सही बात है। तो जो आपकी जो बॉडी है उसकी रिपेयरिंग होगी। अच्छा अच्छा। रिपेयरिंग होने के बाद तब उस पे वो क्या कहते हैं दवाई काम करेगी। अभी मैं आपको दवाई चढ़ दूंगा। मैं चढ़ दूंगा। चढ़ जाओ। आगे बताओ। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है? आपके यहाँ नीम के पत्ते हैं? बराबर में लग रहे सुक्का गया। हाँ सुक्का गया जो भी पेड़ लग रहा है पूरा। अच्छा वो पीस के गैया के दूध में पीना है। गैया के दूध में? हाँ वो पीस के। बड़ा कड़वा लगेगा। अब देखो ये जवान होना तो करना पड़ेगा। चलो मैं करके देख लूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद 1 महीने बाद आना। और 1 महीने बाद जब तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स क्लीन हो जाए। क्लीन। हाँ अब फर्श को चमकाने के लिए हमें पोंछा लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ बात सही। दवाई तो दो मैडम। दवाई? हाँ। अरे यही दवाई है। हैं? हाँ और क्या? ये तो नुस्खा है। अरे नुस्खा नहीं है ये दवाई। नुस्खा नहीं नुस्खा। हाँ नुस्खा। नुस्खा। अरे अब तुम मुझे मत पढ़ा। हाँ वो वो नुस्खा है तो। हाँ। ये तो मैं तुम्हें भी दे दूंगा, तुम्हें पतली कर दूंगा अभी बैठे बैठे जी। मैं मोटी हूँ। और क्या? अच्छा। हाँ तो मैं यही बैठे बैठे तुम्हारा वजन घटा दूंगा मैं, ऐसी बात बता के। तो अरे तुम मेरा वजन की चिंता ना करो, तुम अपनी जवानी की। मैं जवानी की चिंता है लेकिन दवाई तो दो। दवाई? और क्या? यही दवाई है भाई। पैसे वापस दो मैडम। देखो ये है बेकार की बात तुम्हारी, मैं ऐसे काम नहीं चलाऊंगा। क्या फायदा, मैं फिर पुलिस से फोन कर दूं। पुलिस में? हाँ। अच्छा चलो इतना कह रहे हो तो मैं एक पुड़िया बना के देती हूं। हां दो जल्दी फटाफट। बढ़िया देना दवाई। हां बिल्कुल सही हो जाना चाहिए मैं घोड़े की तरह। बिल्कुल टेंशन मतलब। बड़ी देर लग रही है? हां दवाई बना रही हूं ना। अच्छा बना रही हो? क्या मैं बना रही हो? नहीं नहीं दवाई बना रही। लो ये दवाई है। इतनी सी? पैसे तो मैं तुम्हें और क्या इतनी सारी दवाई दूँ? अरे कम से कम ये बताओ तुम तो दवाई खाने आए हो या रसगुल्ले खरीद रहे आए हो? बात तो सही, रसगुल्ले खरीदने नहीं आया। अब ये खानी कैसे है ये तो बता दो। अरे जैसे तुम्हारी मर्जी हो यार, वैसे खा लो। कैसे? मेरे कहने का मतलब है कि पानी से खा लो। पानी से? और क्या। अब मैडम मुझे ये बताओ क्या अगर मैं नहीं हुआ तो मैं पुलिस बुला लाऊंगा, देख लेना 1 महीने बाद। अच्छा ये बताओ तुम्हारे यहाँ मोहर का छत्ता है? डंगारा या काली?
नगाड़ा है या देसी? देसी देसी, हाँ देसी मुहार है, हमारे बराबर में लग रही है उस पे आम के पेड़ पे। अच्छा अच्छा, तो एक काम करना, हाँ? उस पे जाना और वो रस खींचना, रस उसका शहद, सॉरी हाँ शहद, शहद और उसमें मिला के पी लेना इस दवाई को। हाँ तो मैडम वो तो मुझे खा जाएंगी सब मुहार। अरे तो वैसे भी तुम यहाँ कौन सी, क्या कह रही हो? नहीं नहीं मैं ये कह रही हूँ कि ये दवाई निकाल लेना जेब में से, बस हाथ पर रख लेना। अच्छा, इसकी खुशबू से सब उड़ जाएंगी। हाँ तो बहुत कारगर दवाई है। अरे ये मैंने तुम्हें क्या बताया कि मैं MBBS डॉक्टर हूँ। कौन सी बी एस हो? MBBS धुन्ना। धुन्ना क्या होता है? अरे होता है, अब तुम्हें नहीं बताऊंगा मैं क्या होता है, लेकिन ये है कि दवाई काम तो करेगी ना। बिल्कुल, लेकिन उस पर मधुमक्खी होनी चाहिए। मधुमक्खी तो छत्ते में ऐसा होता है मैडम, छत्ते में मधुमक्खी तो रहती है। देसी अलग होती है, डंगारा अलग होती है। देसी मुहार का है, देसी मुहार का छत्ता है, वैसे शहद मिला के और इस दवाई के साथ खा लूं और मैं कितनी उम्र का हो जाऊंगा फिर इससे? मेरे ख्याल से 16 साल के तो हो ही जाओ। स्वीट 16 स्वीट 68 स्वीट 16। और सुनो, जो जो तुम्हारी ख्वाहिश है वो सब करोगे। और एक साइड से बात बताऊं, सुनो क्या कह रही हो? समझे नहीं? नहीं, मेरे कहने का मतलब है, हाँ? जो एक आदमी की इच्छा होती है, हाँ हाँ? कि वो सब करूं, उससे डबल करोगे। चल रहा हूँ। ठीक है निकल लो, वैसे भी एक महीने बाद तुम रहोगे ही नहीं। पैसे मिल गए, अब निकल लो यहाँ से, पैसे लो और भागो। पता लगी तो कल को ये मेरे नाम FIR ही लिखवा दे, पुलिस लेके आ जाए। अरे ये डॉक्टर जी का तो सब नकली है।